एक्सप्रेस न्यूज। गांव की आवश्यकताओं व कमियों को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद साजापुर के ब्लॉक कुमाया में स्थित जारमानो गांव पहुंचा। यह गांव ब्लॉक से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्रामवासियों ने राजन प्रसाद को अपने गांव का प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 1734 की आबादी वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 33 हैंडपंप, 35 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी व जूनियर पाठशाला में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वर्तमान में प्रधान के भरकस प्रयासों से गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्कूल में बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 80 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, इंटरलॉक, पंचायत घर, 35 प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। खंजड़ा ही बन गया है, जितना मिला है नाले ही उतनी मिली है, और इंटरलॉकिंग बना हुआ है थोड़ा बहुत बनो है, और अले भी बने हैं, प्रधानमंत्री आवास 11 बने हैं, और बाकी यहाँ जो लोग हैं गरीब लोग उनके पास कुछ नहीं है, वो जो है कृपया की जाए, 80 प्रधानमंत्री आवास बने कहाँ गए, और कुछ विधवा पेंशन लोगों की छुट्टी हुई है, एक आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है हमारे यहाँ, और शौचालय ही अभी आधे बने हैं, आधे नहीं मिले हमें, और हमारे यहाँ जो टंकी पानी वाली बनने थी वो बनी पड़ी है खाली, और उसका दोबारा काम कोई शुरू नहीं हुआ है। करीबन 6 हैंडपंप की मांग है, वो मिल जाए तो लोगों को जो है परेशानी दूर हो जाएगी। ये है तो लोग उसे कब्जा करे पड़े हैं, वहाँ जगह है नहीं, थोड़ी सी जगह है, और स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है।